अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, आपका पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप पैन कार्ड का बैंक में यूज नहीं कर पाओगे। आपके बैंक ट्रांजेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक किया जाता है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउजर में जाना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है ITR। जैसे आप सर्च करोगे, आपको सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी incometax.gov.in। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको देखिए आधार को पैन से लिंक करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे यहाँ थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, लिंक आधार। तो देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको देखिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ देखिए लिख रहा होगा पैन, यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार और पैन लिंक करने से पहले आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल चेक कर लेनी है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम दोनों सेम है, तभी आप इस प्रोसेस को करना। अगर आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो पहले आपको पैन कार्ड में करेक्शन के लिए देनी होगी, उसके बाद आप इसको इस प्रोसेस को करना। तो देखिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल देना है। देखिए जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे देखिए वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको कंटिन्यू पे थ्रू ई पे टैक्स, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे ई टैक्स का फॉर्म आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, फिर से आपको वही पैन कार्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डाल देते हो, मोबाइल नंबर डाल देते हो, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है, उस पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, देखिए आपका पैन कार्ड नंबर, आपके किस क्या नाम है, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे होंगे आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए। तो सबसे ऊपर ये दिख रहा होगा यहाँ पे इनकम टैक्स, तो देखिए यहाँ पे प्रोसीड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ आएगा असिस्टमेंट ईयर, तो देखिए यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो सबसे ऊपर ईयर आ रहा है, उस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप 24-25 सिलेक्ट करोगे, देखिए उसके बाद आपको यहाँ जाना होगा टाइप ऑफ पेमेंट, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आपको। देखिए जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ आ रहा होगा अदर रिसीप 500, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा सब टाइप ऑफ पेमेंट, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है, फीस फॉर डिले इन लिंकिंग पैन कार्ड विच आधार, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे फीस 1000 आ जाएगी, तो आपको देखिए यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, पे एट बैंक काउंटर से भी आप कर सकते हो, NFT से भी आप पेमेंट इसको कर सकते हो। सबसे इजी ऑप्शन है, आप पेमेंट गेटवे UPI के थ्रू भी इसको पेमेंट कर सकते हो। तो मुझे UPI के जरिए पेमेंट करनी है, तो ये मैं UPI सिलेक्ट कर लूंगा। UPI जैसे आप सिलेक्ट करोगे, बैंक के गेटवे आ जाएंगे। आप कोई सा भी बैंक यहाँ चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ कैनरा बैंक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखिए पे नाउ के बटन पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर लेना है।
सबमिट टू बैंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे UPI, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या व्हाट्सएप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे UPI से पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ UPI सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे UPI पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप फोन पे से करना चाहते हो तो फोन पे से कर सकते हो। मुझे पेटीएम से करनी है तो यहाँ मैं पेटीएम सेलेक्ट कर लूंगा। आपको देखिए यहाँ पे UPI ID डाल देनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको देखिए टीम एप्लीकेशन खोलनी होगी। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आती है, आप उसको पे कर देना है अपना पिन डालकर। जैसे आप पिन डालोगे, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट अप्रूवल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे चालान आएगा। ये चालान आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप चालान डाउनलोड करोगे, देखिए आपका यहाँ पैन कार्ड नंबर, नाम, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। कितनी फीस कटी है सब आ जाएगा। आप इस चालान को अपने पास सेव रख लें। आपकी ये पेमेंट 48 घंटे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंचेगी। तो आपको देखिए ठीक 48 घंटे बाद आपकी पेमेंट हुए 48 घंटे हो जाते हैं। तो आपको देखिए फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ जाना होगा ऑप्शन पे लिंक आधार। जैसे आप लिंक आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ देखिए पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल देते हो तो देखिए यहाँ वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए आपका यहाँ पे जो आपने पेमेंट करी थी 48 घंटे बाद, उसको यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। चालान नंबर सब कुछ यहाँ शो हो जाएगा, डेट भी शो हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर शो हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा आ रहा है नेम एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको देख मोबाइल नंबर वही आपको डालना होगा जो पिछली बार आपने डाला था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद देखिए आई हैव ओनली ईयर बर्थ इन आधार, तो देखिए यहाँ दोनों चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेते हो, यहाँ पे आपको लिंक आधार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको देखिए यहाँ डाल देना है। उसके बाद देखिए वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप वैलिडेट वाले बटन पे आप क्लिक करोगे, देखिए योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, सेंड यू वैलिडेट एंड केस रिक्वायर्ड यू प्लीज चेक द 48 आवर्स। यहाँ पे 48 घंटे में आधार और पैन कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। आप 48 आप चाहे तो 48 घंटे बाद इस स्टेटस को चेक कर सकते हैं। का पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हुआ है उसका स्टेटस जानने के लिए कम से कम आपको 48 घंटे बाद चेक करना होगा। चेक करने के लिए देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फिर से आना होगा। यहाँ का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है उसका स्टेटस जानने के लिए देखिए यहाँ पे आ रहा होगा लिंक आधार, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको फिर से यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है और फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल देते हो, देखिए यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक टू गिव इन आधार कार्ड। आपने जो पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वेस्ट करी थी वो लिंक हो चुकी है। इस तरह आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना